Hello friends, welcome to your own channel being a sailor or minus corner. तो दोस्तों आज का टॉपिक है सीमेंस फाइनेंस मैनेजमेंट। तो देखिए सीमेंस के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए सीमेन में एक सैलरी तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अच्छे कंपनी में हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, तो इन एन एवरेज आपका सैलरी जो है बहुत अच्छा ही है। लेकिन ये सैलरी जो है हाई होने के बाद, अच्छे होने के बाद भी जो है एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग के पास बचता नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है खर्चा कर देते हैं। देखिए इस के ऊपर से एक बात भी प्रभाव भी है हिंदी में कि पानी का पैसा जो है पानी में ही जाता है। मतलब इतना अच्छा इनकम सोर्स के बाद भी जो है हम लोगों का ग्रोथ उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम लोगों का ग्रोथ होना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों तो इसीलिए जो है सीमेन को जो है एक सेलर को जो है फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने खर्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत लॉन्ग सेलिंग के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद भी जो है सेविंग्स के नाम पे तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। तो एनीवेज दोस्तों इसीलिए इस सीमेंस फाइनेंस के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा रिसर्च किया एंड फाइनली आई फाउंड के मुझे ये डेफिनेटली अदर सीमेन ब्रदर्स के लिए शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सैलरी हाई होने के बाद भी जो है हम लोगों के पास कुछ नहीं बनता है कि बचता है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेंसेस जो है हम लोगों के हाई सैलरी से भी जो है उससे भी ज़्यादा हाई है, इसीलिए हम लोगों के पास कुछ नहीं बचता है। और ऊपर से क्या है दोस्तों, हम लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 months, 7 months, 8 months और 9 months, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हम लोगों का सैलरी चालू रहता है एंड रेस्ट जो भी आप घर पर टाइम बिताते हैं वो टाइम पर आपका सैलरी चालू नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है लेकिन आपका खर्चा चालू रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए इसी बात पे मैं कुछ छोटा सा सजेशन देने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आप, पहली बात तो ये है कि आपको जो है खर्चा बहुत कम करना पड़ेगा और बेस्ट आप ही को पता है कि फालतू के खर्चे आप कहाँ पे करते हैं। पोर्ट पे घूम के आप ज़्यादा खर्चा करते हैं क्या, वहाँ पे कोई स्टफ़ ख़रीद के ज़्यादा खर्चा करते हैं क्या, आप बॉन्ड बिल में ज़्यादा खर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा खर्चा करते हैं या फालतू खर्चा करते हैं, जो भी हो ये आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल कम करना है। और जो है आप जो भी लिक्विड पैसा आप बैंक में रखते हैं कि ये बाद में आप कोई चीज़ खरीदेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर आप 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और स्टार्टिंग मंथ से ही आप थोड़ा सा पैसा जो है रखते हैं जो एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए किसी चीज़ में उसको लगाने के लिए, कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि आप कुछ परचेस करना चाहते हैं या कुछ बुकिंग करना चाहते हैं, जो भी हो, तो जो है हम लोगों का नॉर्मल प्रैक्टिस जो है उसको अकाउंट में हम लोग रख देते हैं और ताकि जो है ये पैसा कहीं पे ना जाए। तो दोस्तों अकाउंट में रखने से जो है आपका पैसा उतना तो रहेगा लेकिन 9 months एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है और 9 महीने के बाद जो है 3 महीना अगर आप घर बैठते हैं तो हो गया आपका 12 महीना। तो 12 महीना अभी मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई का जो रेट है वो 5 to 6% है। 5 to 6% मतलब महंगाई जो है एवरी ईयर बढ़ता रहता है, ये हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट। तो इस हिसाब से दोस्तों एग्जांपल के थ्रू अगर लूँ तो कैसा होगा कि आज जो चीज़ का वैल्यूएशन 1000 rupees है वो जाके जो है एक साल के बाद उसी का प्राइस रहेगा 1060 rupees। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये 9 महीना आप जब भी ऑनबोर्ड रहते हैं उस टाइम पे आपका जो भी पैसा, लिक्विड पैसा जो आप यूज़ करना चाहते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में इससे ज़्यादा भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक इंट्रो टाइप का मान के चलिए ये फाइनेंस के ऊपर। तो अगर आप ये 9 महीने के लिए FD भी करते हैं बैंक में तो FD का अभी मैक्सिमम रेट जो बैंक दे रही है वो है आपका 6 to 7% या कोई अगर 8% आई डोंट थिंक सो, 6 to 7% फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो 6 to 7% पे आपने 9 महीने के लिए FD कर दिया, आपको शॉर्ट टाइम में अगर पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म की बात दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे दूसरे वीडियोज़ में,
शॉर्ट टर्म 9 महीने के लिए अगर आप एफडी पे रखते हैं तो एफडी जो है आपको 6-7% का एक एवरेज इंटरेस्ट रेट देगा ईयरली, और आपका इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का रेट भी है 5-6%, मतलब कुल मिला के आपको कुछ नहीं मिलता है। जो आपको एक्स्ट्रा जो बैंक आपको देगा वो एक साल के बाद जो है उसका वैल्यूएशन आप जितना डालेंगे उसी के ऊपर ही, क्योंकि उसका आपका इन्फ्लेशन रेट जो है 6% है, महंगाई का रेट और बैंक का इंटरेस्ट का रेट देखिए दोनों सेम है, तो जो है आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको हाई रिटर्न में जाना पड़ेगा। जो 6-7% आपका जो 6% का इन्फ्लेशन है उसको तोड़ने के बाद भी आपको अगर 6% प्रॉफिट चाहिए तो आपको हो गया 12% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तब जाके जो है महंगाई 6% माइनस करने के बाद 6% आपके पास रहेगा। तो इस टाइम पे एफडी तो कम्प्लीटली बेकार हो गया, जो आपके किसी यूज़ में नहीं है। सबसे ज़्यादा रिटर्न के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्टॉक मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक सुनते ही सब लोग सोचे हैं कि एकदम फालतू बात कर रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा मेरी पूरी बात। वो बात है कि स्टॉक्स देखिए बहुत अच्छा रिटर्न देता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये रिस्की है आप लोगों के हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एकदम नहीं। तो रिस्की इसीलिए होता है क्योंकि दोस्तों देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट एंड ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग का जिसके पास नॉलेज नहीं है उसी के लिए दोस्तों ये मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो चलिए तो इसको भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, एफडी भी आपका कुछ काम का नहीं है, देन स्टॉक मार्केट आपको इतना रिस्क भी नहीं लेना है, और रिस्क अगर आपको कम करना है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आपको मार्केट को ट्रैक करना रहता है, आपको ट्रेडिंग सीखना रहता है, और शेयर मार्केट का काफ़ी सारी मतलब नॉलेजेस आपको चाहिए शेयर मार्केट पर आपको पैसा लगाने के लिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर मार्केट के ऊपर इसके बाद भी वीडियोज़ बना सकता हूँ, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको शेयर मार्केट में अगर पैसा नहीं लगाना है खुद से, और जो है आपको शेयर मार्केट के जैसे ही अच्छा रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, वो है आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी लोग शायद उतना डिटेल में नहीं जानते हैं कि एक्चुअली ये म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं। देखिए दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, म्यूचुअल फ़ंड होता है एक फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी रहती है, जैसे वो कंपनी क्या करती है पब्लिक से मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर जैसे कि आप जैसे कि मैं, ये सब से पैसा उठाती है, और पैसा उठाने के बाद जो है वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे ये लोग पैसा लगाते हैं। तो आप सोचेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड्स भी अगर शेयर मार्केट पे ही पैसा लगा रहा है तो वो तो रिस्की होगा, नहीं दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया कि रिस्की उसी के लिए जिसके पास शेयर मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जो है एक एसेट मैनेजर रहता है, वो मैनेजर जो है हाईली क्वालिफाइड रहता है एंड जिसको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, तो वो अपने नॉलेज का यूज़ करके जो है ये पैसा जो है स्टॉक्स पे लगाते हैं, और जो है जैसा स्टॉक का भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको पता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट अच्छा है, तो प्रॉफिट अच्छा है तो म्यूचुअल फंड भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के काफ़ी तरीके होते हैं, ये आप कभी भी अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं डेफिनेटली खुद से एक बार जो है अच्छे से सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही जो है पैसा लगाए, किसी के फ्री एडवाइस सुन के कभी कोई काम मत कीजिए। फ्री एडवाइस देने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, तो प्लीज़ फ्री एडवाइस के चक्कर में कभी मत जाइए, अपने से नॉलेज लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, गूगल से लीजिए, किसी बुक से लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है तो मैं कुछ रेफरेंस भी आपको दे सकता हूँ। तो एनीवेज शेयर मार्केट में देखिए जो रिटर्न के बारे में मैं बोलना चाहूँगा वो एकदम सेफ रिटर्न है, वो है आपका 12-15%, मतलब इन एन एवरेज जो है 15% का आपको रिटर्न अगर चाहिए तो जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15% के ऊपर भी है और उसके भी ऊपर है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में देखिए दोस्तों ये म्यूचुअल फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होते हैं ये जो है स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ये कौन से किस टाइप के स्टॉक्स है, नॉर्मली जो कंपनीज को ना मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है डिवाइड किया गया, मतलब कौन सा
मार्केट कौन सा कंपनी का नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है, मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये लोगों का कैटेगरी फिक्स किया गया है। इस कैटेगरी के हिसाब से जो है अपनी इंडिया में तीन ही टाइप के कंपनीज़ है, एक हो गए आपके लार्ज कैप कंपनीज़, एक हो गए मिड कैप कंपनीज़, एक हो गए स्मॉल कैप कंपनीज़। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैं आपको लिए वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता दूँ, देखिए लार्ज कैप में अगर आप पैसा लगाएंगे तो 12-15% का रिटर्न आपको मिलेगा। लार्ज कैप क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं सबसे बड़े कंपनीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाटा बिरला यू नो ये रिलायंस, ये सब हो गए बड़े बड़े कंपनीज़, ये हो गए लार्ज कैप कंपनीज़। यहाँ पर अगर आप पैसा लगाएंगे मतलब म्यूचुअल फ़ंड थ्रू, तो जो है आपको 13-15% का रिटर्न मिलेगा। ऐसा है दोस्तों कि इसमें लार्ज कैप में क्या ऐसा है, आपका रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े कंपनीज़ होते हैं, ये कंपनीज़ डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या अगर मार्केट कभी क्रैश भी हुआ, मार्केट ख़राब भी हुआ, तब जो है ये कंपनीज़ कभी भी रोड पे नहीं आती है। तो ये कंपनीज़ में अगर आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा लो है, और लो रिस्क के हिसाब से जो है आपका रिटर्न भी थोड़ा सा लो है, 13-15% इन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं अभी आज के रेट में। उसके बाद आ गया दोस्तों जो मिड कैप कंपनीज़ हैं, मिड कैप कंपनीज़ में देखिए मिड मतलब हो गया आपका मीडियम, तो ये मीडियम वाले कंपनीज जो होते हैं इसमें जो है आपका रिस्क भी मीडियम रहता है, मतलब ना हाई रहता है ना लो रहता है, मीडियम, और रिटर्न भी आपका मीडियम रहता है। तो पहले के लार्ज कैप कंपनीज़ में कैसे 13-15% का आपको रिटर्न मिलता था, और ये मिड कैप कंपनीज़ में जो है इन एन एवरेज आप मान के चलिए 22-25% के आसपास जो है आपको रिटर्न मिल जाएगा, 18-25% के आसपास जो है आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वही है कि इसमें रिस्क भी थोड़ा सा है और रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद आ गया दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज़, स्मॉल कैप कंपनीज़ में कैसा है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, तो रिस्क अगर हाई है तो रिटर्न भी आपका हाई है, यहाँ पे जो है इन एन एवरेज अब 30% का रिटर्न आप मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज़। तो म्यूचुअल फ़ंड में जैसे ही आप पैसा लगाते हैं तो वो म्यूचुअल फ़ंड का रिटर्न देख के, मतलब म्यूचुअल फ़ंड कौन से यू नो स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं वो देख के लीजिए। देखिए सीमैन लोग जो है थोड़ा सा रिस्क तो डेफिनेटली ले ही सकता है, देखिए मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग जो है लार्ज कैप में जो 13-15% का रिटर्न है उसमें भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, और जो है मिड कैप या स्मॉल कैप में भी आप पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन सीमैन के लिए किया है, सीमैन का एक महीने का सैलरी तो हम लोग डाल ही सकते हैं, जिसमें जो है आप मिड या स्मॉल कैप पर लगा सकते हैं, 1,00,000 रुपये लगा के जो है साल में 30,000 रुपये कमाना, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये रिस्क फैक्टर्स जो है अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा, अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आपको गेन भी थोड़ा कम होगा। तो टोटल स्टोरी यही है दोस्तों इस वीडियो का, कि जो है अपने पैसे जो है लिक्विड पैसा जो है वो कभी भी अकाउंट में मत रखिए, वो आपको जितना भी रिटर्न मिलेगा सेविंग्स अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है या FD का जो भी इंटरेस्ट है वो आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा, जो महंगाई है, महंगाई जो है और जो आप बैंक का इंटरेस्ट रेट है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता उस पैसे को वहाँ पर फेंक के रखने के लिए। वही पैसा अगर आप ये सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो है आपको गेन बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी टाइप्स के साथ साथ एक मैं आपको लिक्विड फंड्स के बारे में बोलना चाहूँगा। लिक्विड फंड्स कैसा है दोस्तों, जैसे कि हम लोग ना कभी कभार थोड़ा सा कैश रख देते हैं अपने इमरजेंसी के लिए, या यू नो साइन ऑफ के बाद खर्चे के लिए, या कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए, तो ये एक आप काम कर सकते हैं कि देखिए नॉर्मल कैश अकाउंट में रखने से अच्छा है कि आप लिक्विड फ़ंड में डाल सकते हैं। लिक्विड फ़ंड क्या है दोस्तों, आपके पास लिक्विड कैश जो है वो लिक्विड कैश को आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। लिक्विड फंड्स जो है इन एन एवरेज 8% का रिटर्न आपका आज दे ही रहा है,
तो 8% के हिसाब से अगर 9 महीना भी आप रखते हैं तो जो है थोड़ा सा पैसा आपको मिल जाएगा। तो लिक्विड फंड का एक बेनिफिट ये भी है कि ये एक दिन के अंदर जो है आपका रिडीम हो जाता है, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स जो है रिडीम होने के लिए आपको 3 दिन चाहिए होता है। और एक चीज़ दोस्तों जो बताना बहुत ज़रूरी है वो है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत देखना पड़ेगा, उसका एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, और जो है वो लार्ज कैप है कि नहीं, मतलब कौन सा है, फिर डेफिनेटली वो ग्रोथ है कि दूसरा कुछ है, देन आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है कि नहीं, रेगुलर म्यूचुअल फंड है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिनको बताने के लिए भी मुझे बहुत टाइम चाहिए, तो किसी को अगर इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसके रिक्वेस्ट में बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड के साथ जो है लिक्विड फंड्स के बारे में भी मैंने बता दिया। लिक्विड फंड्स में आप रख सकते हैं, यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, बेस्ट पार्ट इसका ही है, और जो है एक दिन के रिडेम्पशन में आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो है बैंक के अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है अब मंथली वही जो अमाउंट आप 9 महीने के बाद चाहते हैं आपको कुछ काम के लिए, अब लिक्विड फंड में उसको डालिए मंथली, 9 मंथ्स के बाद उसको निकालिए, जो भी पैसा आपका एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड एंड सेविंग्स ऑफ सीमेंस फाइनेंस। तो दोस्तों इसके बाद भी जो है बहुत सारे चीज़ है बोलने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपना बीइंग एंड सेलर के साथ ताकि मैं और भी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे पाऊँ। थैंक यू।